नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत अभिनेत्री से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इंडियन टेलीविजन की दुनिया में अपने अभिनय और प्रतिभा से एक खास स्थान बनाया है। वो है रूपाली गांगुली। रूपाली का जन्म 5 अप्रैल 1977 को मुंबई में हुआ। वह एक बंगाली हिंदू परिवार में जन्मी है जिनके पिता अनिल गांगुली हैं, जो बॉलीवुड में एक फेमस डायरेक्टर भी रह चुके हैं जिन्होंने कागज और तपस्या जैसी हिट फिल्में डायरेक्ट करी हैं। परिवार में कला का माहौल होने के कारण रूपाली ने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही कम उम्र से की थी। इनके भाई विजय गांगुली भी प्रोड्यूसर और कोरियोग्राफर हैं। 7 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता की फिल्म साहिब से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। बचपन में ही अभिनय के प्रति उनकी रुचि ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान टेलीविजन से मिली। रूपाली के एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग सीक्रेट हाई स्कूल से पूरी की और फिर उन्होंने मुंबई में ही होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। रूपाली ने सन 2000 में टेलीविजन पर अपने करियर की शुरुआत सुकन्या टीवी शो से की। इसके बाद इन्होंने कुछ और टीवी शोज में भी काम किया, पर इन्हें कोई खास पहचान ना मिली। फिर इन्हें मौका मिला संजीवनी ए मेडिकल बून टीवी शो में डॉक्टर सिमरन चोपड़ा की भूमिका निभाने का, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस टीवी शो से इन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की। फिर 2004 से 2006 तक इन्होंने सारा भाई बनाम सारा भाई में मोनिशा सारा भाई का किरदार निभाया। यह शो दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ और रूपाली को घर घर में पहचान दिलाई। उनकी अभिनय क्षमता और हास्य प्रतिभा ने उन्हें आलोचकों और दर्शकों दोनों से ही सराहना दिलाई। रूपाली ने 2006 में रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 1 में भी भाग लिया, जहां इन्होंने अपने व्यक्तित्व का एक नया रूप दर्शकों के सामने रखा। हालांकि वह इस शो के 10वें सप्ताह में ही एलिमिनेट हो गई, लेकिन उन्होंने शो में अपनी उपस्थिति से एक अलग पहचान बनाई। इसके बाद इन्होंने कई फेमस टीवी शोज में काम किया, जैसे एक पैकेट उम्मीद, परवरिश कुछ खट्टे कुछ मीठे, आपकी अंतरा और भाभी। इसके अलावा वे दिखाई दी खतरों के खिलाड़ी सीजन 2 और किचन चैंपियन सीजन 2 जैसे रियलिटी शोज में। 2020 में रूपाली ने स्टार प्लस के फेमस शो अनुपमा में मुख्य किरदार निभाना शुरू किया। रूपाली ने इस किरदार के माध्यम से मजबूत महिला की छवि प्रस्तुत की, जिसने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली। इस शो के ऑन एयर होने के कुछ टाइम बाद ही यह शो TRP पर नंबर 1 पर रहा। रूपाली गांगुली सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी हैं। वह समाज के विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का प्रयास करती हैं। उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लिया, जिससे इन्होंने अपने फैंस के बीच एक पॉजिटिव इमेज बनाई है। रूपाली ने 6 फरवरी 2013 को बिजनेसमैन अश्विन के वर्मा से शादी की और इनका एक बेटा है जिसका नाम रुद्रांश गांगुली है। 2024 में रूपाली गांगुली ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इसी साल वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। इस फैसले ने उन्हें कई लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया है और पार्टी में शामिल होने के दौरान उन्होंने कहा कि एक व्यक्तित्व जो सभी को भाजपा की ओर आकर्षित करता है, वह है PM नरेंद्र मोदी। इनके अचीवमेंट्स की बात करें, वर्ष 2022 में रूपाली गांगुली को टेलीविजन जगत में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2022 में वे भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाली टीवी एक्ट्रेस बनी। तो ये थी कहानी रूपाली गांगुली की। तो दोस्तों, अगर आपको रूपाली गांगुली की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद पर भरोसा रखें और अपने सपनों को उड़ान दें।